हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तवनीत्स किचन। आज की रेसिपी ये आंध्रा के स्पेशल कोरिएंडर राइस, और ये बहुत ही स्पाइसी होते हैं खाने में, जो इसका मज़ा आता है वो अलग ही टेस्ट है बिल्कुल। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे ये कोरिएंडर राइस। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने लिए हैं आधा ग्लास, मतलब स्टील का जो ग्लास होता है ना, आधा मैंने राइस उतने लिए हैं, और इसको मैंने 10 मिनट के लिए सोक कर दिया है, पानी में भिगो दिया है। और यहाँ पे लिया हमने मिक्सर ग्राइंडर, इसमें मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ 3 ग्रीन चिली, 3 हरी मिर्ची और 3 से 4 लहसुन की तुरिया और थोड़ा सा धनिया। धनिया को जब आप यूज़ करते हो तो उसको अच्छे से वॉश करके करिए, नहीं तो उसमें जो मिट्टी होती है वो बीच में आ जाती है, क्रीच थोड़ी सी। तो यहाँ पे लिया मैंने राई, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने राई ली है। राई आपको ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। और देखिए जैसे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा दरदरा लग रहा है, मोटा लग रहा है। तो अभी इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो अभी एक बार इसको और चला देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पेस्ट रेडी हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। और यहाँ पे राइस जो मैंने सोक करके रखे थे, अभी मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ। तो राइस जैसे कि बॉईल होने शुरू हो गए हैं, तो अभी इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा। जीरा को थोड़ा सा स्प्लैटर होने दें। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 से 12 कड़ी लीव्स होते हैं ना, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको जो सोते कर ले। और साथ में जो हमने पेस्ट रेडी किया था ना कोरिएंडर, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का, तो मैंने वो ऐड कर दिया है। अभी इसको अच्छे से सोते कर ले 2 से 3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। हमने जो आधा ग्लास बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा, मतलब इसके डबल बना रहे हैं। तो अभी मैंने जो बॉयल राइस को मैंने स्ट्रेन कर लिया था, बॉयल्ड राइस को, तो वो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल हैं, वैसे ही आपने कुछ बनाया है चावल की कोई आइटम, वाइट राइस बनाया है, तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। राइस हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अभी इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमारा लो होना चाहिए। जैसे 2 मिनट हो चुके हैं तो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन से, हरे हरे, भरे भरे। तो चलिए अभी हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा लेमन जूस। मैंने आधा नींबू का रस जो इसमें ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो बहुत खट्टे हो जाएंगे। जैसे कि मैं आधा ग्लास में आधा नींबू का रस डाला है मैंने। तो हमारी कोरिएंडर राइस हो गए हैं रेडी। तो अभी इसको 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो आप भी मेरे कहने के ऊपर एक बार बनाइए, आई एम श्योर कि आप इसको बार बार बनाने वाले हैं। एक तो बन बहुत ईजीली जाते हैं और बड़े मस्त बनते हैं, बड़े स्पाइसी से, चटपटे से बनते हैं। तो बनाइए ये रेसिपी, हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।